गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनित कुमार फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस. सो दिस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ए ग्रेट पोएट ऑफ नेचर. ही हैज रिटन मेनी पोएम्स रिलेटेड टू नेचर. द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लूसी ग्रे, एजुकेशन ऑफ नेचर एंड रिसोल्यूशन, इंडिपेंडेंस आर लीज गैदरर, एंड इफ एम टॉकिंग सॉलिटरी रिफर, सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट and recollection of early childhood. These are many poems, and he also wrote about Milton, that London 1802. These are the great poems of William Wordsworth. And William Wordsworth was a great poet of nature. He was called worshipper of nature. तो उनकी जो poem है हम आप बात करने वाले हैं, the world is too much with us. ये जो दुनिया है ये हमेशा क्या सोचती है, उस समय Wordsworth ने बताने का प्रयास किया कि द पीपल हैज़ बिकम मनी माइंडेड. लोग हमेशा मनी माइंडेड हो गए हैं, हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं. इसमें कभी हमको बताने का प्रयास किया कि दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी बिजी, वी आर मनी माइंडेड, वी ऑलवेज थिंक अबाउट मनी एंड वी हैव नो एनी टाइम टू प्रेज द ब्यूटीज ऑफ नेचर. कि हमारे पास जो है ये जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको देखने के लिए समय नहीं. सुबह उठते हैं तो हमें हमेशा काम ही काम करना पड़ता है, हमें हमेशा पैसे के बारे में सोचते हैं और प्रकृति की ओर हमारे ऊपर हमारे पास ध्यान समय नहीं है प्रकृति की ओर देखने के लिए. और जैसा कि आप जानते हो कि इस समय जो हम पूरा संसार जो है एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, दिस कोरोना डिजीज़, एंड वी ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस डिजीज़. इस बीमारी जितनी सारी बीमारियाँ हैं इन सभी का कारण जो है हम स्वयं हैं. कि हमारे पास समय नहीं है प्रकृति को देखने के लिए, हम हमेशा कमाने और खर्च करने के बारे में सोचते हैं. तो कभी कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये संसार ये दुनिया जो है हमेशा कमाने और खर्च करने के बारे में सोचती है. लेट एंड सून, हमेशा गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग मतलब कमाना, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना. कि हम हमेशा कमाने और खर्च करने के बारे में सोचते हैं. वी ले वेस्ट आवर पावर, हम अपने पावर को वेस्ट कर दिए हैं, हम अपने समय को हमेशा कमाने और खर्च करने में लगाते हैं. इस तरह से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, वेस्ट करने, कमा रहे हैं और खाने में. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर, हम अपने पावर्स को वेस्ट कर देते हैं, हम अपने शक्ति को नष्ट कर देते हैं. लिटिल वी सी इन नेचर, प्रकृति की जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब किसके, हमारे लिए. ईश्वर ने ये जो छोटे छोटे फूल बनाए हैं, ये जो प्रकृति की चीज़ें हैं, ये सब किसके, मनुष्य के लिए. लेकिन मनुष्य के पास इन सब को देखने के लिए समय नहीं है. लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर, जो छोटी छोटी प्रकृति की चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए हैं. वी हैव गिवन आवर हर्ट, लेकिन हम अपने हृदय को, हम अपने दिमाग को कहाँ लगाए हैं, ये सॉलिड बून, व्यर्थ कार्यों के लिए, कमाने और खर्च करने के लिए. जिस तरह से आज बीमारी से पूरा संसार जूझ रहा है, कि हमेशा मनुष्य जो है इस समय अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहा है. किस तरह से शहर के लोग धीरे धीरे गांव में वापस लौट रहे हैं, यही बात विली वर्ड्सवर्थ उस समय की थी अपने ज़माने में. कि किस तरह से मनुष्य मनी माइंडेड हो गया है, उसको मालूम नहीं है कि ये प्रकृति की जो चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए हैं, हमको हमेशा प्रकृति के साथ उस समय बिताना चाहिए. और प्रकृति की क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में बताने का प्रयास किया. वी हैव गिवन आवर हर्ट, हम अपने दिलो दिमाग को वेस्ट कर दिए, ए सॉडिड बून, व्यर्थ वरदान के लिए, कमाने और खर्च करने के लिए. मीन्स वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी हैव बिकेम मनी माइंडेड एंड वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम टू गेटिंग एंड स्पेंडिंग मनी, हम हमेशा पैसे कमाने और खर्च करने में अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं. दिस सी, यहाँ पे प्रकृति की बातें करते हैं कभी विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रकृति की बात कर रहे हैं कि दिस सी, ये जो समुद्र है, समुद्र क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है. दिस सी दैट बारिज हर बॉसम, हमको समुद्र को देखना चाहिए, उस समुद्र को देखना चाहिए कुछ समय के लिए, जिस तरह से अपने बारिज मतलब उभारे हुए, बॉसम मतलब अपने सीने को, अपने वक्ष स्थल को उभारे हुए है, उसका जो आकार है, हमें समुद्र के उस आकार को देखना चाहिए कि हमको उससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है. टू द मून, किसके लिए, चंद्रमा के लिए. दिस सी दैट बारिज हर बॉसम टू द मून, हमें उस समुद्र को देखना चाहिए जो हमेशा अपना सीना उभारे हुए है, किसके लिए, चंद्रमा के लिए, रात में.
The winds that will be howling at all hours, और हमें उस हवा को महसूस करना चाहिए कि किस तरह से हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन हम हमारे पास कुछ भी समय नहीं, थोड़ा सा भी समय नहीं है इस प्रकृति को देखने के लिए। हम हमेशा एक कमरे में बंद हैं और हमेशा वही सब चीज़ें जो बीमारी हैं अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। The winds that will be howling at all hours, हमें उस हवा को महसूस करना चाहिए जो हमेशा चलती रहती है। एंड आर गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन रात में वो भी शांत हो जाती हैं, वो भी सोते हुए फूलों की तरह, जिस तरह से शाम को रात में फूल हमेशा शांत रहते हैं, सोते रहते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इन सभी के लिए, इन सब कुछ के लिए हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हम जो है हम प्रकृति की ओर थोड़ा सा भी देखते नहीं है। हम इसके लिए क्या हो गए, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं है कि हम प्रकृति की ओर देखें। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, कभी कहता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो उनका जो धर्म क्या है, क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म में क्या होता है, हमेशा कमाओ और खर्च करो, किस तरह से जीवन लोग बिता रहे थे, लेकिन कभी उसको छोड़ना चाहता है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, वो कहते हैं कि इसमें कोई ग्रेट गॉड नहीं है, इसमें कोई महान ईश्वर नहीं है। आई वुड रादर बी ए पैगन, वह कहते हैं कि मैं पैगन बनना चाहूँगा, पैगन एक गॉड है, मैं पैगन बनना चाहूँगा। पैगन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलीजन दैट वेयर एवरी वेयर देर आर लॉट ऑफ गॉड एंड गॉडेस रूलिंग एवरी पार्ट ऑफ नेचर। जैसे हमारे हिंदू धर्म देख लीजिए, कितने ज़्यादा देवी देवता हैं, बहुत सारे, हर प्रकृति की चीज़ों में हम ईश्वर को पाते हैं। तो इस तरह से कभी कहता है कि मैं पैगन बनना चाहता हूँ, स्कल इन ए क्रीट आउट वर्ल्ड, उसमें मैं खुश रहना चाहता हूँ। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, इस तरह से जब मैं प्लीजेंटली में खड़ा होऊंगा, प्लीजेंटली मतलब हरे भरे मैदानों में, जब मैं प्रकृति के खुले वातावरण में खड़ा रहूँगा, हैव ग्लिम्सेस, जो मुझे दृश्य दिखाई देगा, दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन्ग, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, और मैं प्रोटियस को देखूंगा। प्रोटियस यहाँ पे एक गॉड के बारे में बात हो रही है, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र में उड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रोटियस यहाँ पे सन गॉड को बोला गया है। आर हियर ओल्ड ट्राइटन, या तो ट्राइटन को सुनूंगा, देखूंगा, ब्लो हिज रेड हॉर्न, जो अपने समुद्र को, जो अपने संघ को हमेशा बजाता रहता है। तो इसमें दो गार्ड के बारे में बात की गई है, फर्स्ट है प्रोटियस, सेकंड है ट्राइटन। सो इन दिस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी ह्यूमन बींग्स वी शुड स्पेंड आवर टाइम विथ नेचर, कि हमें जो है कुछ समय प्रकृति की ओर बिताना चाहिए, प्रकृति के उस सुंदर वातावरण को देखना चाहिए, उन सुंदर सुंदर फूलों को देखना चाहिए, नहीं तो हम जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति और मनुष्य के बीच जब लड़ाई होती है, तो इसमें हमेशा प्रकृति ही हमेशा विजय होता है। कि किस तरह से पूरे इस संसार में इस तरह से क्या हो रहा है कि हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हमारे पास कोई समय नहीं था, हम हमेशा मनी माइंडेड हो गए थे, कमाने और खर्च करने में बिताते थे। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।